देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नेशनल हाईवे पर बना पुल हादसों को दे रहा है दावत। राहगीरों के लिए चलने वाले पुलिया पर कभी भी हो जाती है दुर्घटना। ना ही कोई जनप्रतिनिधि और ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार अधिकारी देते हैं ध्यान। पुणे के बायसी अंतर्गत NH-57 पर बने पुल की हालत बेहद खराब है। 2017 में आए भीषण बाढ़ के बाद यह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पुल का वो हिस्सा जहाँ से राहगीर पैदल पार करते हैं वह पूरी तरह टूट चुका है। बावजूद इसके कोई भी इसे और ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों की माने तो आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। रात के अंधेरे में लोगों का इस रास्ते से गुजरना बेहद ही मुश्किल है। दो तीन साल से वो बड़ा वाला बांध से है। 2017 वाला में ऐसा हुआ था, अब तक इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी नहीं, वैसे कितना फोटो लेके गया, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है? कोई नहीं। अच्छा, इस पे कभी घटना भी घटी है क्या? घटना कम से कम 5-7 आदमी गिर चुका है, उसको उठाया हम, किसी को हम लोग भी उठाए हैं, चोट भी लगा, पैर भी टूटा। अच्छा, ये यहाँ पर अक्सर घटना घटता होगा? हाँ, ये 2017 वाला सैलाब नहीं है, तब से आदमी गिरते पड़ते रहता है हमेशा रात का टाइम में, और दिखाई नहीं पड़ता किसी, तो गड्ढे में गिर जाता है। प्रशासन को बार बार हम लोग बोल चुके हैं, यहाँ का विधायक जी को भी देख चुका है, वो खुद अपने नज़रों से देख चुका है, वो यहाँ का कोई साधन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, एनर्जी विभाग भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा? जी नहीं, कोई विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कितना बड़ा है, मीडिया वाला भी आया, बहुत बार वो दे चुका है उसमें।